इंद्रधनुष के सारे रंग हम अगर अपनी बगिया में ला पाते हैं तो एक छोटी सी बगिया भी जन्नत से कम नहीं दिखती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। इंद्रधनुष में जितने भी रंग दिखते हैं वो सारे रंग, जो सारे कलर हैं, वो हम अगर अपने गार्डन में ला पाते हैं तो हमारा गार्डन काफ़ी ज़्यादा कलरफुल और खूबसूरत बन जाता है। फूल जितने खूबसूरत गार्डन में लगते हैं उतने ही खूबसूरत लगते हैं खूबसूरत पत्तियों वाले पौधे, जो कि हमारे गार्डन में ढेरों कलर बिखेरते रहते हैं। आइए देखते हैं कि कौन से पौधे ऐसे हैं जिन्हें कि लगा के हम इंद्रधनुष को अपनी बगिया में उतार सकते हैं, अपने बगिया में ला सकते हैं और खूबसूरत रंगीन कलरफुल गार्डन हम बना सकते हैं। इनमें से फ्रेंड सबसे पहला जो पौधा है वो है फ्रेंड स्वीट पोटैटो वाइन। काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, इसके ढेरों कलर मिल जाएंगे, यूनिक डिज़ाइन इसकी पत्तियों में मिलेगी। आप देख सकते कुछ हार्ट शेप के हैं, कुछ इस तरीके से। ये वेरिगेटेड वाला है जिसमें दो तीन कलर होता है और एक स्टार शेप का भी आता है। तो और भी काफ़ी सारी वैरायटी इसमें दिखने को मिल जाती है, कई सारे कलर भी दिखने को मिल जाते हैं, जो कि हमारे गार्डन को कलरफुल बनाने के लिए बहुत ही एक अच्छा पौधा है। इजी टू ग्रो है, कटिंग से आसानी से लग जाता है और सेमी लाइट में अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इसे ना ही तो आप शेड में रखिए और ना ही इसे पूरे दिन की धूप में रखिए। धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ बर्न हो जाएंगी, कलर फेड हो जाएंगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप इसे अंधेरी जगह पे शेड में रखते हैं तो भी ये पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करता है। एक आध घंटे की धूप और पूरे दिन की ब्राइट लाइट, ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इसीलिए इस पौधे को जरूर आप ऐसी जगह लगाएं जहां पे इस पे थोड़ी सी धूप भी पड़े और पूरे दिन की छांव और ब्राइट लाइट रहे। तो सबसे पहला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स ये स्वीट पोटैटो वाइन, जो गार्डन को रंगीन बनाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए सबसे बेस्ट पौधा है। इसके बाद अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स कोलियस। कोलियस एक ऐसा पौधा है जो कि हमारे गार्डन में ढेरों कलर बिखेरते रहता है। एक कोलियस का एक पौधा हमारे गार्डन में इतने सारे कलर ऐड कर देता है कि जैसे लगेंगे कि इंद्रधनुष के सारे रंग हमारे गार्डन में उतर आए हैं। कोलियस में काफ़ी सारी वैरायटी आपको दिखने को मिल जाएगी। पौधा भी काफ़ी सस्ता आता है, 15-20 रुपये, 25 रुपये, हार्डली 30 रुपये में ये पौधा मिल जाता है। ये जगह वाइज डिपेंड करता है और नर्सरी कितनी बड़ी है छोटी है वो भी डिपेंड करता है, तो इस हिसाब से इसके प्राइस होते हैं। और बहुत ही अच्छा पौधा है, आप कलर देख सकते हैं, एक एक पौधे में कई सारे कलर आपको दिखने को मिलेंगे। और दो चार पौधे भी अगर हम लगा लेते हैं तो हमारे गार्डन को कलरफुल बनाने से कोई नहीं रोक सकता, काफ़ी खूबसूरत कलरफुल हमारा गार्डन बन जाता है। और कटिंग से पौधा बहुत आसानी से लग जाता है, इसीलिए बिना देख रेख के ढेरों पौधे आप इससे तैयार कर सकते हैं। अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स क्रोटोन। क्रोटोन तो मेरे गार्डन में जैसे खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है ऐसे कुछ दिखता है। ये वाली वैरायटी गार्डन में चार चांद लगा रहा है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती बिखेर रहा है। ये पौधा बहुत ईजी टू ग्रो है। क्रोटोन में भी बहुत सारी वेराइटी मिल जाएगी आपको, पैटर्न अलग अलग मिल जाएंगे, जैसे कुछ आप ये देख सकते हैं, ये एरोहेड क्रोटोन आई थिंक कहते हैं इसे। तो इस तरीके से क्रोटोन में बहुत सारी वैरायटी आपको दिखने को मिलेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, स्पेशली ये येलो कलर वाला जो क्रोटोन होता है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, वाइब्रेंट सा लुक देता है और हमारे गार्डन को कलरफुल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है। कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, इसे बाहर बारिश के मौसम में और बाहर के मौसम में कटिंग से लगाइए, रेत में लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और बहुत आसानी से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। मैंने खुद इसके ढेरों पौधे तैयार कर रखे हैं और सब मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं। गार्डन में ढेर सारे रंग भरने के लिए इस टाइम आपको बल्ब से ग्रो होने वाला ये क्लैडियम का पौधा मिल जाएगा। मेरे पास दो वैरायटी के क्लैडियम के पौधे हैं, एक ये देख सकते हैं आप और एक ये। तो इसमें काफ़ी सारी वैरायटी आती है, चाहे जितने पौधे आप ले सकते हैं, पौधा कभी ख़राब नहीं होता। विंटर में ये पौधे की सारी पत्तियाँ ख़त्म हो जाती है लेकिन इसके बल्ब रह जाते हैं और स्प्रिंग सीजन आते ही वो फिर से ग्रो होने लग जाता है। और गार्डन में इस तरीके से खूबसूरत पत्तियों से ढेरों कलर हमारे गार्डन में देते रहता है और आप कलर देखिए, सिर्फ एक पत्ती में ही इतने सारे कलर हमें मिल जाते हैं। इसके बाद गार्डन में कलर बिखेरने के लिए आप अल्ट्रा नैंथ्रा की ढेर सारी वैरायटी लगा सकते हैं, जैसे कि है ये लाल सा, ये ग्रीन वाली वैरायटी, इसी में एक मल्टी कलर भी आता है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑर्नामेंटल वाला जिसे स्नो वाइट भी कहा जाता है। तो काफ़ी सारी वैरायटी आपको अल्ट्रा नैंथ्रा में भी मिल जाएगी, जिससे कि लगा के आप बहुत खूबसूरत गार्डन बना सकते हैं, कलरफुल गार्डन बना सकते हैं। अल्ट्रा नैंथ्रा में एक वैरायटी ये है जिसे कि गोल्डन दुरंतो के नाम से भी जाना जाता है।
जाता है। ये पौधा इतना वाइब्रेंट कलर देता है, येलो कलर इतना वाइब्रेंट इसका निकल के आता है, जो गार्डन में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती देता है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं। अगला पौधा है रियो ट्राई कलर। रियो में दो वेराइटी मैंने देखी है, एक है रियो का जो डार्क ग्रीन और पर्पल कलर का होता है, और एक ये जिसमें तीन चार कलर एक साथ मिक्स होते हैं। तो कलर ऐड करने के लिए आप रियो का ये ट्राई कलर ऐड करिए। बहुत ही अच्छा पौधा है, जड़ों के पास से ये पौधा फैलते रहता है, इसीलिए ईजीली ये पौधा एक से बहुत सारा बन भी जाता है, और इसे आप 30, 35 या 40 रुपए में इजीली नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। हल्की हल्की धूप पर ऐसी जगह रखिए तो ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है और बहुत जल्दी प्रोपगेट भी होते रहता है। गार्डन में ढेर सारे खूबसूरत कलर ऐड करने के लिए एग्लोनीमा को पौधे को भी जरूर लगाएं। ये एक पौधा, इसमें इतने सारे कलर होते हैं कि गार्डन को कलरफुल बनाने के लिए बहुत होते हैं। सिर्फ एक पौधे में इतने सारे कलर हमको दिखने को मिल जाते हैं। वैसे एग्लोनीमा में बहुत सारी वेराइटी आपको दिखने को मिलेगी, दो चार वेराइटी भी अगर हम लगा लेते हैं तो गार्डन में इंद्रधनुष के सारे रंग उतारने में हमें देर नहीं लगेगी। इजिली ग्रो हो जाते हैं, जड़ों के पास से इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं, इसलिए एक टाइम पीरियड के बाद ये पौधा बहुत सारा बन भी जाता है। और इस तरीके से खूबसूरत कलर आप देख सकते हैं, कलर कितने सारे कलर सिर्फ एक एक पत्तियों में कितने कलर दिखते हैं, तो इन कलर को हम अपने गार्डन में ला पाते हैं। इसके बाद अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स पिंक सिंगोनियम। सिंगोनियम में और एक वेराइटी आती है जो कि है ग्रीन वाली वेराइटी जो हम सभी लगाते हैं, और एक पौधा है ये पिंक सिंगोनियम जो कि गार्डन में कलर देने के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है। इसका पिंक कलर काफी ज्यादा खूबसूरत और वाइब्रेंट सा लगता है। इसे सेमी लाइट में रखेंगे, यानी एक आध घंटे की मॉर्निंग की धूप और पूरे दिन की ब्राइट लाइट, तो ये पिंक कलर बहुत ही अच्छी तरीके से निकल के आता है। अदरवाइज पौधा सिर्फ ग्रीन होने लग जाता है, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिए, कलर गार्डन में लेने के लिए इसे हल्की एक आध घंटे की धूप जरूर दीजिए। इसके बाद अगला जो पौधा है जो कि गार्डन में कलर ऐड करता है और वो भी वाइब्रेंट सा, वो है फ्रेंड्स ये जो कि है सॉन्ग ऑफ इंडिया। काफ़ी खूबसूरत लगता है, इसको येल्लो और ग्रीन लाइनिंग देखने में काफ़ी खूबसूरत देता है, गार्डन को एक अलग सा लुक देता है, बहुत ही हार्डी और इजी टू ग्रो भी है। अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स रबर प्लांट। रबर प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा होता है, यूनिक सा कलर इसमें होता है। रबर प्लांट में बहुत सारी वैरायटी दिखने को मिल जाएगी, ग्रीन, ब्लैक और वेरीगेटेड। तो मेरे पास ये ब्लैक वाला है, थोड़ा गंदा हो चुका है, इसे इग्नोर करिए क्योंकि काफ़ी धूल उड़ रही है। अगर आप इसकी पत्तियों को साफ करते रहें तो बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग इसकी पत्तियाँ होती है, दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और एक अलग सा कलर हमारे गार्डन में ऐड करता है। इसके बाद अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स रेड रॉबिन का पौधा। इसमें पत्तियों में इतने कलर आपको दिखने को मिलेंगे, जैसे लगेगा कि सारे कलर इसमें समा गए हैं। इसकी खूबसूरत पत्तियाँ जैसे इसमें धूप पड़ती है, इसके कलर निखर के आते हैं, तो रेड रॉबिन के पौधे को भी जरूर लगाएं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है। 2-3 घंटे की धूप में काफ़ी अच्छी तरीके से चलता है, कटिंग से बहुत आसानी से लगता है, तो इस पौधे को भी जरूर अपने गार्डन में ऐड करिए। तो इस तरीके से काफ़ी सारे पौधे हैं, मैंने तो कुछ ही पौधे आपके साथ शेयर किए, इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे पौधे आपको मिलेंगे जिसे लगा के आप अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं और इंद्रधनुष के सारे रंग अपनी एक छोटी सी बगिया में उतार के ला सकते हैं और अपनी बगिया को जन्नत जैसा खूबसूरत बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।